हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल मेज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जब हम वॉल टाइल्स लगाते हैं तो उसके ऊपर जो हमारा सीमेंट पेस्ट होता है, तो वही आज हमारा टॉपिक है। सीमेंट पेस्ट कैसे बनाया जाए, इसकी थिकनेस होती है 5 to 7 mm वॉल टाइल के ऊपर लगाने के बाद, एंड हमारी 16 mm का स्टैंडर्ड साइज होता है टाइल्स का। तो आइए देखते हैं कैसे हम सीमेंट पेस्ट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कंटेनर लेना है या फिर तसला लेना है, एंड उसमें वाटर पोर कर लेना है। एंड जैसे जैसे आप सीमेंट डालते जाएंगे वैसे वैसे ही पानी के अंदर बबल क्रिएट होंगे, एंड जो ये आपको बबल्स दिख रहे हैं ये प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर सीमेंट डाल रहे हैं। एंड सीमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू सेटल डाउन इन वाटर, तो आपको बस सीमेंट डालते जाना है। सीमेंट पानी के नीचे बैठ जाएगा एंड एक टाइम पे ऐसी पोजीशन आएगी जब हमारा सीमेंट का लेवल फुल कंटेनर के लेवल तक आ जाएगा। एंड ना ही हमें इसे हिलाना है, ना ही हमें शेक करना है, हमें बस प्रॉपरली अपनी सीमेंट को इसके अंदर पोर करते जाना है, हल्के हल्के हैंड से, स्लोली स्लोली। सो हमारा जो वॉल के ऊपर हम जो सीमेंट पेस्ट लगाते हैं वो सीमेंट पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा, क्रिएट होते हैं। इसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं एंड यू कैन आल्सो कॉल्ड इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता ये है कि हीट जनरेट होती है हमारे सराउंडिंग्स में। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू।